डॉक्टर नीलम कुलेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बी ए पार्ट थर्ड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भारत में यूरोपियन जातियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने आपको भारत में कौन कौन सी यूरोपियन जातियाँ आई और उनके समय केंद्रीय स्थिति कैसी थी और इसके साथ साथ उस आपको भारत में मराठों ने अपनी शक्ति का विस्तार कैसे किया इसके बारे में आपको बताया। आज विशेषकर कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य भारत के अंतर्गत स्वतंत्र हुए उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर हम खोल कर देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिस समय भारत में यूरोपियन जातियाँ आई उस समय केंद्र की स्थिति दुर्बल हो चुकी थी और मुगलों के अंतर्गत औरंगजेब के बाद जितने भी सम्राट गद्दी पर बैठे थे वो अयोग्य थे और इस कारण केंद्रीय दुर्बलता का लाभ जो था स्थानीय शक्तियों ने उठाया और एक एक करके भारत में केंद्र के अधीन जितने भी राज्य और शक्तियाँ थी उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना जो थी कर ली, जिसके अंतर्गत राजपूत, सिख, मराठे और इसके अलावा भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में हैदराबाद, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, मैसूर कई राज्य जो थे वो केंद्र के अधीन जो थे वो मुक्त होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से राज्य करना जो था शुरू कर दिया, अर्थात इससे केंद्र की स्थिति जो थी दुर्बल हो गई। कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ और किन किन राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की उसमें सबसे पहले हम हैदराबाद की बात जो है कर रहे हैं। हैदराबाद के दक्षिण का एक राज्य था, निजामो उल मुल्क ने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इसकी स्थापना करने वाले औरंगजेब के मनसबदार चिनकुली खां थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद इतिहास में ये पता चलता है कि बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठे उन्होंने निजामो मुल्क जो थे उसे अवध का सूबेदार जो था बनाया और जिसके कारण उन्होंने अवध में सूबेदार के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। जहांदर शाह के समय में भी वो अवध के सूबेदार रहे, लेकिन फरुख सियार जब गद्दी पर बैठे फरुख सियार को जहांदर शाह को गद्दी में हटाने में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, इस कारण उन्होंने उसे कहते कि दक्षिण भारत के 6 सूबे प्रदान किए और इसके साथ साथ खाने खाना और निजामो उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि से जो था विभूषित किया। और ये भी कहा जाता है कि फरुख सियार ने 1715 में उसे दिल्ली बुलाया और उसके बाद उसे मालवा की सूबेदारी प्रदान की और मालवा की सूबेदारी के तौर पर उन्होंने कार्य करते हुए अपनी शक्ति का अत्यंत विस्तार जो था किया। सैयद बंधुओं को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने फरुख सियार पर दबाव डालकर उसके स्थान पर दिलावर खां को मालवा का सूबेदार बना दिया और निजामो मुल्क ने इसका विरोध करते हुए दिलावर खां पर आक्रमण किया, वो युद्ध में मारा गया और निजामो मुल्क ने कहते कि मालवा और मालवा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार उन्होंने बुरहानपुर और असीरगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करके दक्षिण की ओर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया। और इसके बाद जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे उन्होंने कहते हैं कि उसे अपना वजीर जो था बना लिया और दिल्ली में वजीर के तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने मुगल साम्राज्य में व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन राज्य के अन्य अमीरों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मोहम्मद शाह को उसके विरुद्ध उकसाना शुरू कर दिया और इससे मोहम्मद शाह उसके विरोधी जो थे बन गए। और ये भी कहा जाता है कि उसके स्थान पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्षिण का नया सूबेदार बनाया और निजामो मुल्क ने इसे अपना अपमान समझा और मराठों के सहयोग से उन्होंने मुबारिज खां पर आक्रमण किया और उसे युद्ध में परास्त जो था कर दिया और इससे मोहम्मद शाह की आंखें खुल गई। उन्होंने निजामो मुल्क को दक्षिण का सूबेदार बनाते हुए 6 सूबे जो थे प्रदान किए। निजामो उल मुल्क ने कहते कि दक्षिण के सूबेदार के तौर पर उन्होंने हैदराबाद को अपने राज्य की राजधानी बनाया, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह धारण किए
अपने नाम के सिक्के सलाए और केंद्र से संबंध विच्छेद करते हुए स्वतंत्र राज्य जो था संचालित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद राज्य स्वतंत्र जो था हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बारे में ये पता चलता है कि औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खां वहाँ के नायब नाजिम और उड़ीसा के नाजिम थे। 1713 में फर्रुख सियार जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया और उन्होंने बंगाल के सूबेदार के रूप में उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए और राज्य में शांति व्यवस्था को जो था कायम किया। और ये भी पता चलता है कि मुर्शिद कुली खां के बाद उनका दामाद मोहम्मद खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां के नाम से जाना जाता है, वो बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार बना। और कहते हैं कि 1733 में उसे बिहार का सूबा भी दे दिया गया और उन्होंने तीनों सूबे एक साथ संचालित करते हुए उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन करना शुरू किया और नाम मात्र के लिए केंद्र की अधीनता को माना और स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। और उसके बाद सरफराज खां गद्दी पर बैठे जो शुजाउद्दीन के पुत्र थे और जब गद्दी पर बैठे वो अत्यधिक आलसी और बिलासी थे, इससे राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी और उनके नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने उन पर आक्रमण करके उसे परास्त किया और वो युद्ध में मारे गए और अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबेदार बन गए और मोहम्मद शाह ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। 1740 से लेकर 56 तक अलीवर्दी खां जो थे वो बंगाल और बिहार और उड़ीसा के सूबेदार रहे। उन्होंने बहुत सुचारू ढंग से शासन संचालित किया, अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। मराठों ने इसका विरोध किया और दोनों के मध्य युद्ध भी हुए, लेकिन अंत में मराठों और अलीवर्दी खान में समझौता हुआ और जिसमें अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का सूबा मराठों को सौंप दिया और चौथ कर के रूप में 12 लाख वार्षिक देने का आश्वासन दिया। और उसके पश्चात कहते कि 1756 के अंतर्गत सिराजू दौला जो अलीवर्दी खां के नाती थे वो गद्दी पर बैठे। 1757 तक कार्य किया और अंग्रेजों ने उनके समय में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए उन्होंने कहते कि विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। सिराजू दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजू दौला युद्ध में हार गए और अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को बढ़ा लिया। सिराजू दौला के बाद मीर कासिम गद्दी पर जब बैठे उस समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध में भी अंग्रेजों को विजय मिली और बंगाल का नवाब युद्ध में प्रास्त हो गए। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार जो था कर लिया। अवध की जहाँ तक बात आती है, अवध राज्य की स्थापना जो थी मीर मोहम्मद अमीन सियादत खां बुरहान उल मुल्क जो थे उसने की, जिसे सियादत खां के नाम से जाना जाता है। ये मुगल दरबार में ईरानी अमीर जो थे इनके नेता थे। निजामु उल मुल्क के प्रतिद्वंदी थे। सैयद बंधुओं के पतन में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसके बदले उसे सियादत खां की उपाधि और आगरा की सूबेदारी जो थी दी गई। 1722 में मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार बना दिया। यहीं से अवध का स्वतंत्र इतिहास जो था प्रारंभ हुआ और इसके बाद सियादत खां ने स्वतंत्र रूप से उन्होंने वहां पर राज्य करना शुरू कर दिया। और इतिहास से ये भी पता लगता है कि सियादत खां जो थे उन्होंने अवध के सूबेदार के तौर पर उन्होंने अपनी इच्छानुसार कार्य करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी शक्ति को अत्यधिक जो था बढ़ा लिया। 1739 में सियादत खां की मृत्यु हो गई। सफदरजंग जो उसके दामाद थे गद्दी पर बैठे। 1748 तक उन्होंने राज्य किया और मुगल बादशाह ने उसे सल्तनत में या शासन में वजीर जो था नियुक्त किया। और ये भी पता चलता है कि सफदरजंग के समय में इतिहास में ये पता चलता है रुहेलों ने और पठानों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी लूटमार जो थी की। और इनके समय में अहमद शाह अब्दाली के विभाग के ऊपर आक्रमण हुए और उस आक्रमणों के अंतर्गत उन्होंने केंद्र को भी सहयोग जो था प्रदान किया और 1754 में उनका देहांत जो था हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से कार्य किए।
इनके समय में राजनीति में काफ़ी परिवर्तन आया। मुगल शहजादे अली गोर को उन्होंने अवध में शरण दी। पानीपत के युद्ध में अफगानों को उन्होंने सहयोग दिया और शुजाउद्दौला जो थे, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको अली गोर जब बादशाह बने तो उन्होंने उसे अपना वजीर जो था नियुक्त कर लिया। और बक्सर के युद्ध में इतिहास में ये भी पता लगता है कि मीर कासिम को भी उन्होंने अपने राज्य में शरण जोधी दी। और इस प्रकार इतिहास में ये पता चलता है कि ये शुजाउद्दौला के समय में अवध के अंतर्गत प्रभाव जो था काफ़ी बदलाव आया, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने इस पर भी अधिकार जो था कर लिया। बड़ौदा ये गुजरात का राज्य था। केंद्रीय प्रभाव के यानी कि कहना चाहिए कि शक्तिहीन होने के कारण गुजरात जो था वे भी स्वतंत्र राज्य जो था बन गया। और मराठों ने अपने प्रभाव को वहाँ बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करने शुरू किए और कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात के जो तत्कालीन सूबेदार महाराजा अभय सिंह थे, उन्होंने मराठों को प्रभाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे और इसके कारण मराठों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया। और जो अभय सिंह थे वो जोधपुर चले गए और इसके बाद मराठे जो थे वो गुजरात के वास्तविक शासक जो थे बन गए। आगे चलकर गुजरात में बड़ौदा राज्य स्थापित हुआ और गायकवाड़ परिवार ने वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। मालवा मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण दिल्ली दरबार का कोई भी अमीर मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाया। 1724 के बाद पेशवा के तीन सेनानायक होलकर, सिंधिया और पवार जो थे, उन्होंने एक एक करके इंदौर, ग्वालियर और धार में मराठा शक्ति का विस्तार किया और उन्होंने स्वतंत्र राज्य जो थे स्थापित कर लिए। पंजाब के सूबेदार जकरिया खां थे। लंबे समय तक उन्होंने पंजाब में राज्य किया, शांति व्यवस्था को कायम किया, परंतु 1737 और 39 तक नादिर शाह और उसके पश्चात 52 से लेकर 61 तक अहमद शाह अब्दाली के पंजाब पर आक्रमण हुए, जिसमें पंजाब में काफ़ी अव्यवस्था और अराजकता यानी फैल गई और दिल्ली दरबार की धनबंदी और मोहम्मद शाह की निर्बलता का लाभ उठाते हुए पंजाब के अंतर्गत उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और धीरे धीरे ये पंजाब राज्य भी जो था वो स्वतंत्र जो था हो गया। राजपूताना ये राजस्थान के राज्य थे। बाबर के समय में मेवाड़ राज्य मुगलों से पर्याप्त दूरी बनाए हुए था। औरंगजेब की धूर्तता और मक्कारी के कारण चलते हुए धीरे धीरे बीकानेर, आमेर, बूंदी और राजस्थान के कई राज्य जो थे वो धीरे धीरे दूर होते गए। और इसके कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद आमेर में सवाई जय सिंह, मारवाड़ में अभय सिंह जो थे, उन्होंने मुगलों की सूबेदारी को स्वीकार करते हुए मराठों के विरुद्ध अपने प्रभाव को कायम करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई, राजपूत राज्य जो थे उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया और मराठों के निरंतर आक्रमण जो थे, जब केंद्र के से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए स्वतंत्र राज्य जो थे स्थापित कर लिए। अब हम मैसूर राज्य की बात करते हैं। मैसूर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मैसूर राज्य एक हिंदू राज्य था। 1704 ईस्वी में मैसूर को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन 1750 के आस पर मैसूर में कृष्ण राज वहाँ के शासक बने। वो नाम मात्र के शासक थे और राज्य की समस्त शक्तियाँ देवराज और नंदराज नाम के दो भाइयों के हाथ में थी। और बाद में नंदराज जो थे वो सर्वे सर्वा बन गए। उस समय हैदर अली जो नंदराज के सेना नायक थे वो अनपढ़ थे, लेकिन एक चतुर व्यक्ति, प्रतिभावान और शक्तिशाली और सेना नायक थे। उन्होंने नंदराज के ऊपर आक्रमण किया और उनको युद्ध में हराकर
उन्होंने इस शक्ति को अपने हाथ में जो था ले लिया, अर्थात वो स्वतंत्र राजा जो थे बन गए। इतिहास में ये भी पता चलता है कि हैदर अली ने सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए मैसूर के दीवान खांडेराव और राजमाता को अपने साथ मिलाकर उन्होंने नंदराज का अंत किया और राजमाता को सत्ता सौंपने की बजाय सत्ता अपने हाथ में ले ली और खांडेराव जो था उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और स्वतंत्र रूप से राज्य जो थे करने लगे। ठीक इसी प्रकार हमें इतिहास से ये स्पष्ट होता है कि जिस समय भारत में यूरोपियन जातियां आई उस समय भारत की राजनीतिक दशा अच्छी नहीं थी और संपूर्ण राज्य एक एक करके केंद्र के नियंत्रण से मुक्त हो चुके थे और उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाना जो था शुरू कर दिया था। भारत की इस विभिन्नता और अनेकता का लाभ विदेशी जातियों ने उठाया और उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए और जिसके कारण अंग्रेजों को इसमें सफलता मिली और एक एक करके उन्होंने भारत के सभी शक्तियों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की और ये राज्य हमारे भारत में दीर्घकाल तक जो था चलता रहा। धन्यवाद।